नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मोबाइल गुरु में। आज हम कर रहे हैं A50s टच सॉल्यूशन, A50 के टच का हमने वीडियो डाला हुआ है हमारे चैनल पे। बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट करके हमसे कहा था कि सर A50s का भी टच का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो A50s और A50 दोनों का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे हो जाएगा। A50 का वीडियोज़ लोगों ने काफ़ी पसंद किया, 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियोज़ पे हमारे। तो नेक्स्ट हम आज कर रहे हैं A50s। A50 और A50s का दोनों का टच का लगभग सिमिलर है, बट थोड़ी कंपोनेंट की लोकेशन डिफरेंट है। तो आज हम आपको A50s का टच का पूरा सेमेटिक समझाएंगे कि A50s टच कैसे काम करता है। अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज होता है सबसे पहले, तो वाटर डैमेज फ़ोन में अगर टच काम नहीं करती है तो उसमें जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है, ये हमारी एक रेड लाइन है। जो रेड लाइन है ये डायरेक्ट वोल्टेजेस आते हैं 3.7 वोल्ट, जो हमारा बैटरी वोल्टेजेस है। तो हमारे ये 3.7 वोल्टेजेस यहाँ आना चाहिए। 3.7 वोल्टेजेस ये डायरेक्ट आ रहा है जो बैटरी का टिप्स है। तो ये 3.7 से डायरेक्ट ये एक छोटा LDO लगा हुआ है, जो LDO होता है लो ड्रॉप आउट। इस LDO को एनेबल सिग्नल देता है हमारा CPU। तो वाटर डैमेज फोन होने के कारण ये LDO जो है ये ड्राई हो जाता है, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट 3.7 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ से LDO से आउटपुट होता है 3 वोल्ट। तो जब आप टच लगाएंगे, तो टच लगाने के बाद फ़ोन को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद हमारे जो ये हमारा टच का जैक है, इसकी ये फर्स्ट पिन है, जो इसकी फर्स्ट पिन पे हमारे यहाँ 3 वोल्ट आना चाहिए। ये वाले इस कैप से होते हुए गुजर रहा है, तो इस ये साथ में इसके कैप लगा हुआ है, ये रहा। इस कैप से होते हुए ये 3 वोल्ट हमारे आना चाहिए इस पे। ये वोल्टेजेस आपको फ़ोन ऑन करने के बाद मिलेंगे। जो दूसरा वोल्टेजेस हमने चेक करना है, ये हमारी ये रेड लाइन आ रही है, ये 1.8 वोल्ट है। ये 1.8 वोल्ट दे रही है हमारी पावर, ये जो ऊपर पावर लगी हुई है, इस पावर से इस कैप पे ये 1.8 वोल्ट आउट हो रहे हैं। ये 1.8 वोल्ट यहाँ से आउट होते हुए यहाँ रेजिस्टेंस पे आ रहे हैं। ये 1.8 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। बाकी की जो सारी पिन्स हैं 2 वोल्टेजेस के अलावा, बाकी की जो पिन्स हैं, ये सारी पिन्स हमारी जा रही हैं इन LDO से होते हुए। ये छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इन कंपोनेंट से होते हुए डायरेक्ट CPU में जा रहे हैं। आप इन सभी पिन्स पे जो ये पिन्स हैं, एक पर्पल पिन होगी, एक ये ऑरेंज है, और एक ये स्काई है, और एक ये येलो है। इन पिन्स पे आप मीटर से डायोड मोड पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर इन सभी पिनों पे कंटिन्यूटी ओके है, तो हमारे फ़ोन में CPU से कोई प्रॉब्लम नहीं है टच की। टच ना चलने के लिए टच को, जो जैसे कि है 2 वोल्टेजेस चाहिए, एक ये LDO से आ रही है, बैटरी से 3.7 आ रहा है, 3.7 के बाद ये LDO को CPU एनेबल सिग्नल देता है। अगर ये 3.7 वोल्ट से 3 वोल्ट LDO से आउट नहीं हो रहे हैं, तो LDO भी खराब हो सकता है। आप LDO को उतार के ये ग्रीन वाली लाइन, ये LDO का ये टिप चेक करेंगे, अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, तो हमारा CPU भी खराब हो सकता है। CPU को रिबॉल करना पड़ेगा, ड्राई शोल्डर भी हो सकता है। अगर यहाँ अनेबल सिग्नल आ रहा है, तो CPU की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 3.7 भी आ रहा है बट ये आउटपुट नहीं कर रहा है, तो ये LDO ही खराब है। आप इस LDO को चेंज करेंगे तो टच की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। इसके अदर बाकी जो कनेक्शंस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो येलो लाइन है ये डायरेक्ट CPU में है, जिस कंपोनेंट से यहाँ होते हुए जाती है, और ऑरेंज लाइन है, और ये रेड कलर है, जो ये जो लाइन है 1.8 वोल्ट, ये हमारी ये पावर दे रही है। अगर ये पावर 1.8 जनरेट नहीं कर रही है, तो पावर ख़राब है। और बाकी सारे वेज और कनेक्शंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसमें उम्मीद है आप इसके बाद A50s में टच का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको A50 का टच चाहिए, तो A50 का टच का वीडियो मैंने ऑलरेडी इसमें अपने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मैं फिर भी डाल देता हूँ आपकी हेल्प के लिए।